तो फाइनली यार तुम्हारे भाई ने नया कैमरा ले लिया है, और ये गाइज अब तक का मेरा पहला कैमरा है। इससे पहले जितनी भी वीडियो मैं बनाता था वो सारी अपनी मोबाइल से ही बनाता था, और ये वाली वीडियोस भी मेरे मोबाइल से ही शूट हो रही है। लेकिन डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में जो क्वालिटी है वीडियोस की वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, और स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि भैया आ गया है मेरा नया कैमरा। ये है गोप्रो का हीरो 11 ब्लैक। वैसे आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन यार मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो कैमरा है मैंने लिया है अपने यूट्यूब मनी से। अब तक की जितनी भी मेरी यूट्यूब मनी कलेक्ट हुई थी मैंने उससे ये कैमरा ले लिया है। आगे मैं बताऊँगा कितने का मैंने ये कैमरा लिया है। उससे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ, किस तरह से इसके अंदर जो कैमरा वगैरह इसकी चीज़ें हैं वो किस तरह से दिखती हैं, और आपको आगे इसकी कुछ फ़ोटेज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से इसकी पिक्चर क्वालिटी है। लेकिन उससे पहले यार सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूँगा दिल से, क्योंकि यार जितना भी अब तक का मैंने मुकाम अपना हासिल किया है यूट्यूब पे वो आपकी दुआ और आपके प्यार की वजह से ही किया है। तो चलिए अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो भाई ये है हमारा गोप्रो का बॉक्स, और यहाँ पे कुछ इसके इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, और ये कुछ यार इसके फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं। और यार मैंने इसकी डिलीवरी के टाइम पे इसकी सील ब्रेक करके देखा था इसको, तो यहाँ पे मैंने फिर टेप लगा दी थी यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं और अब निकालते हैं अपने बॉक्स को बाहर और करते हैं अपना बॉक्स को ओपन, और देखते हैं यार हमारे बॉक्स में क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ गाइड्स रखी हुई हैं और साथ में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये है हमारा केबल इसका, यहाँ पे और कुछ ये फालतू की एसेसरीज रखी, फालतू तो नहीं यार है तो काम की सारी चीज़ें। और ये इसकी बैटरी है जो कि पहले बैटरी से काफ़ी अच्छी है, और ये पे दो चीज़ें और रखी हुई हैं इनको भी देख लेते हैं। ये मुझे पता नहीं इनका नाम, और ये है इसका ड्राइवर स्क्रू, और ये है यार हमारा मेन कैमरा जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। तो चलिए अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और यार इस मैंने इसके साथ कुछ चीज़ और भी खरीदी थी, जैसे कि मैंने इसका एक कवर ख़रीदा था, आप देख सकते हैं किस तरह का ये रबड़ वाला कवर है प्रोटेक्शन के लिए, और साथ ही में इसका टेम्पर ग्लास भी मैंने इसके साथ में ख़रीद लिए थे। तो चलिए अब इसको हटा देते हैं वाइट कवर को इसके ऊपर से। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए आपसे मिलता हूँ आगे। तो भाई हमारा कैमरा एकदम अब रेडी हो चुका है, मैंने इसमें जितने भी सेटअप थे वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं, और इसका जो मैंने कवर था वो भी चढ़ा दिया है। ये देख सकते हैं अब हमारा कैमरा कितना अच्छा दिख रहा है बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ, और इसमें मैंने टेम्पर ग्लास भी चढ़ा दिया है। तो चलिए अब बारी है इस कैमरे से थोड़ी फुटेज लेने की, तो चलिए मैं इससे थोड़ी फुटेज लेके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे कैमरे की फुटेज आप देख सकते हैं, और कमेंट में यार आप ज़रूर से बताना कि आपको फुटेज कैसी लगी। और ये जो अभी फुटेज आप लोग देख रहे हैं ये है लीनियर पे, और इसमें एक हाइपर व्यू वाला भी ऑप्शन है, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन आप पहले इसकी क्वालिटी देख लीजिए और इसकी स्टेबलाइजेशन भी देखिए कि किस तरह से इसकी स्टेबलाइजेशन आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हाइपर व्यू वाला मोड। और दोस्तों ये हो चुका है हमारा हाइपर मोड, और यार इसमें देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कितना वाइड हो गया है, पूरा बहुत दूर तक का जो दिख रहा है एरिया है ना, कवर हो रहा है ना बहुत सारा। लेकिन यार मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें जो वॉइस आ रही है वो कैमरे की वॉइस आ रही है, मैंने एक्सटर्नल माइक देखे कोई भी नहीं लगा रखा, ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ये कैमरे से ही हो रही है। और आप बताइए मुझे किस तरह से इसकी वॉइस क्वालिटी लगी और पिक्चर क्वालिटी भी, आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए यार अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की। तो यार मैंने इसको लिया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, और इसका जो प्राइस था वैसे तो 43,490 था, लेकिन मैंने इसमें कुछ बैंक के कार्ड्स लगा के ये मुझे पड़ गया है 40,500 रुपये का कैमरा। और मैंने इसके साथ कुछ एसेसरीज़ जैसे कि मेमोरी कार्ड वगैरह, उसका टेम्पर ग्लास और इसका कवर वगैरह और भी चीज़ें ली थी मैंने, तो 2,000 रुपये मैंने और इसमें लगाए, तो लगभग मेरा ये जो कैमरा पूरा सेटअप पड़ा है 42,500 रुपये का। तो यार आशा है आपको जो हमारा कैमरा है वो पसंद आया होगा। अगर कैमरा आपको पसंद आया, वीडियो भी अच्छी लगी देखने के बाद, तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर से बताना कि आपको कैमरा कैसा लगा। चलिए आपको मिलता हूँ कुछ नई वीडियोज़ के साथ आपसे आगे, तब तक के लिए बाय बाय।